हाय गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बीआर ट्यूटोरियल। आज 8th स्टैंडर्ड का थर्ड लेक्चर है। होप सो आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देखा होगा। जिस किसी ने भी नहीं देखा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर, आप इस आई बॉल में जाके देख सकते हैं। आपको वहाँ अच्छी तरीके से सब बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर रैशनल नंबर। उसी के साथ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम भी वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। सो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, हाउ वी कंपेयर रैशनल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देर आर टू मेथड टू कंपेयर रैशनल नंबर। आप सभी को पता है अभी रैशनल नंबर क्या होता है, फिर भी एक ग्लांस देख लीजिए। रैशनल नंबर आर द नंबर्स, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, और यू कैन से पी अपॉन क्यू, और ए अपॉन बी भी रह सकता है या पी अपॉन क्यू भी, एनी वेरिएबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो ए अपॉन बी द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेर ए, क्या बोला मैंने, वेर ए कैन बी एनी इंटीजर, इंटीजर क्या था हमारा, इंटीजर क्या था, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, एज वेल एज हमारा जीरो कर देता है, वो क्या रहता है हमारा इंटीजर, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीजर बोलते हैं। तो हमारा ए कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा, हमारा ए कैसा रहेगा, इंटीजर रहेगा। वेर एज बी हमारा मतलब डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, वेर एज बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी हमारा जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। सच नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेर ए कैन बी एन इंटीजर एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सच नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। और हमने रैशनल नंबर के साथ इसका फ्रैक्शन के साथ भी कंपेयर करके पढ़ लिया है, व्हाट आर फ्रैक्शन, व्हाट आर रैशनल नंबर। सो आप प्लीज जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब देखते हैं वो मेथड जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं द गिवन रैशनल नंबर्स। चलो दो मेथड है, सबसे पहले एक मेथड में एक्सप्लेन करूंगा, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये साइड में मैं आपको मेथड वन एक्सप्लेन करूंगा और ये साइड में मैं आपको मेथड टू एक्सप्लेन करूंगा। मेथड वन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जहाँ हम डिनोमिनेटर को दो गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। वेर एज इन मेथड टू देर आर थ्री रूल्स, वन बाय वन विल सी। बढ़ते हैं आज के मेथड वन पे। सो हमारा मेथड वन है, देखो ऐसा नंबर दिया रहेगा आपको ए अपॉन बी के फॉर्म में, और कॉमा करके दिया रहेगा, सी अपॉन डी, ऐसा कोई नंबर दिया रहेगा। वह ए बी कैन बी एनी नंबर एंड सी बी डी कैन बी एनी नंबर, ये कोई भी नंबर आपका होगा। इस कंडीशन में आपको ये डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल करना है। डिनोमिनेटर आपको क्या करना है, इक्वल करना है। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, फटाफट समझ जाएगा। चलो देखते हैं, ये है आपका पहला रैशनल नंबर, ये है आपका पहला रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है, 4/2 एंड 3/5। सबसे पहला हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल। स्टेप वन टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल। क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है। कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम डिनोमिनेटर इक्वल। सी पहले क्या लिखेंगे हम, 4/2। अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 3/5। लिख दिया आपने 4/2 एज इट इज, 3/5 एज इट इज। अब क्या करना है आपको, ये जो 5 है आपका, ये जो 5 है फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। सी मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हियर, मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर हियर। अब इसका जो फर्स्ट रैशनल नंबर का मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 2। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 डाउन। समझा सभी को ये, राइट। अब 4/5 से कितना होता है आपका, 20 एंड 2/5 से कितना होता है, 10। अब बॉक्स बना दो यहाँ पर, 3/2 से कितना होता है, 6 एंड 5/2 से अगेन कितना होता है, 10। देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गया आपका। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप, जहाँ चेक करना हमें न्यूमिरेटर, जहाँ क्या चेक करना हमें, न्यूमिरेटर। देखो 20 और 6
20 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा आपका 20, न्यूमरेटर कौन सा बड़ा आपका 20, मतलब आपका ग्रेटर कौन सा साइड हुआ आपका LHS साइड, कौन सा साइड हुआ आपका LHS साइड, 20 ग्रेटर देन क्या आपका 6, 20 क्या आपका ग्रेटर देन 6, जो 20 वाला साइड, जो 20 वाले साइड का फ्रैक्शन है मतलब 20/10, मतलब 20/10 आपका ये क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 20/10 ग्रेटर देन 6/10। सो ये था मेरा आंसर। हमारे पास दो रैशनल नंबर था, एक था रैशनल नंबर 4/2 और दूसरा था क्या हमारा 3/5। ये दो रैशनल नंबर थे, उसमें से हमने पहले क्या किया डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल किया, डिनोमिनेटर इक्वल किया, फिर सेकंड देखा हमने न्यूमेरेटर कौन सा ग्रेटर है, न्यूमेरेटर कौन सा ग्रेटर है। तो क्या पता चला हमें, क्या पता चला कौन सा ग्रेटर है हमारा न्यूमेरेटर 20 ग्रेटर है, कौन सा न्यूमेरेटर ग्रेटर है 20। तो ये साइड का आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा ग्रेटर। तो ये था मेरा आंसर, ये था मेरा आंसर, ठीक। तो 20/10 ग्रेटर देन 6/10, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर आपका ये जो आंसर रहेगा 4/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4/2 ग्रेटर देन 3/5 माय फाइनल आंसर। ये क्या है मेरा फाइनल आंसर है, जब ये साइड बढ़ा तो ये साइड का रैशनल नंबर भी मेरा क्या होगा ग्रेटर होगा। होप सो आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा, एक बार जस्ट देख लीजिए आप। मैं आपके लिए मेथड 1 के रूल्स यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए सम्स करना बहुत ही इजी हो। स्टेप 1 क्या था, टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, हमें डिनोमिनेटर क्या था इक्वल करना था। देखो जैसे हमने यहाँ किया 2 × 5 और 5 × 2, ये डिनोमिनेटर उठा के फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, वैसे ही फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर उठा के सेकेंड वाले रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। इन दिस वे वी डिड अवर फर्स्ट स्टेप, हमने हमारा फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट किया। सेकेंड स्टेप था हमारा कम्पेयर करना न्यूमिनेटर को, क्या करना कम्पेयर करना, टू कम्पेयर द न्यूमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल किया, फिर हमें क्या करना है न्यूमिनेटर को क्या करना है चेक करना है, कंपेयर करना मतलब चेक करना है कौन सा बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप था हमारा टू शो द गिवन रैशनल, टू शो द गिवन रैशनल नंबर बाय साइन, ठीक है, हमें साइन से डिनोट करना था कि गिवन रैशनल नंबर हमारा कौन सा फिगर है और कौन सा स्मॉलर है। आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप के रूल्स पे। 3 रूल्स वहां पर गिवन है और वो रूल्स 1 by 1 विल सी। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड रूल पे। सेकेंड मेथड के 3 रूल यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिए है। आपको चेक करना है a × d इफ लेस देन c × b रहा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का रैशनल नंबर क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा। नहीं समझे, चलो एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। ये तीनों रूल्स के सम हम 1 by 1 हमारे प्रैक्टिस सेट से देखते हैं। प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 से। तो ये साथ में तीनों रूल अप्लाई भी हो जाएंगे और आपके प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन है -7, -2 -7, -2। ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है, इसमें ये रूल्स लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नंबर लाइन मैंने एक्सप्लेन किया था, याद है, लेफ्ट साइड में अगर आपका नंबर लाइन, कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में अगर आपका नंबर लाइन जाता है तो कौन से वे में आता है, वो डिक्रीजिंग में जाता है। तो -2 आपका -7 से पहला आता है, -2 आपका -7 से पहला आता है। तो सिंपल है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा -7 less than -2। फर्स्ट वन काफी इजी था। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पर।
आप अपने टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिए ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए क्या क्या क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में। फर्स्ट सम हमने देखा कैसे इसे सॉल्व करते हैं, बाकी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल दे दिया है, तो उस कंडीशन में हमें ये 3 रूल्स नहीं लगाने, जस्ट हमें कंपेयर करना है न्यूमिरेटर से। चलो चेक कर लेते हैं न्यूमिरेटर से। सी है 0 और -9/5, -9/5 मतलब आपका ये 0 से लेस है, तो ऑलरेडी लेस है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -9/5, 0 इज ग्रेटर देन -9/5। सेम इन दिस कंडीशन यहाँ क्या आपका 8/7 0, ये क्या आपका 8/7 है, 8/7 कहाँ आएगा आपका पॉजिटिव साइड में, मतलब इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8/7 ग्रेटर देन 0। अब आते हैं आपके फोर्थ वन पे। अब देखो फोर्थ वन में दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है 4/4। अब चेक करने हैं हमें न्यूमिरेटर, यहाँ क्या है -5 और यहाँ क्या है आपका 1 है, सो नेगेटिव साइड इज ऑलवेज, नेगेटिव साइड इज ऑलवेज लेस देन क्या रहेगा आपका पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पॉजिटिव क्या है आपका 1, सो 1/4 क्या है आपका 1/4 इज ग्रेटर देन -5/4। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ क्या है अगेन आपका डिनोमिनेटर कैसा दिया है इक्वल, तो चेक करना है हमें न्यूमिरेटर। सी -17 -13 दोनों माइनस में, दोनों माइनस में फिर क्या चेक करना है आपको, पहला नंबर कौन सा आता है, पहला नंबर आपका कौन सा आता है, -13 आता है कि -17 आता है, आपका नंबर लाइन में पहला नंबर -13, सो -13 आपका ग्रेटर है किससे, -17 से, सो -13/20 इज ग्रेटर देन -17/20। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब डिनोमिनेटर इक्वल के, डिनोमिनेटर इक्वल के ये लास्ट सम है आपके टेक्स्ट बुक में, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है आपके ये रूल्स लगा के आपको आपका नंबर आइडेंटिफाई करना है, मतलब कंपेयर करना है। सी है दोनों के डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है 29/29 एंड दोनों पॉजिटिव है, एंड वी नो पॉजिटिव नंबर में आपको क्या देखना है बड़ा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है 141, ये तो और सिंपल हो गया, सो 141 आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, 141/29 विल बी ग्रेटर देन 40/29। ये थे कुछ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिन पे ये रूल लगा के हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये रूल लगाने के बाद ही हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो मैंने सेकंड मेथड के आपके दो क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर के लिख दिए हैं। अब हम देखेंगे ये रूल अप्लाई करके हाउ टू कंपेयर दिस रैशनल नंबर। एक नोट कीजिएगा आप सभी में हमें a इंटू डी एंड c इंटू बी करना है, ये देखिए सभी इसमें सभी रूल्स में हमें क्या करना है a इंटू डी एंड c इंटू बी, ये आपका कंपल्सरी मेथड है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कौन सा लेस है कौन सा इक्वल है एंड कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है कौन सा इक्वल है और कौन सा ग्रेटर है। चलो देख लीजिए पहला क्या था हमारा स्टेप ये फॉलो करने का a इंटू डी एंड इंटू c इंटू बी इंटू सी इंटू बी, चलो कर देते। देखो ये कौन से फॉर्म में a अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी, तो पहला कौन सा मल्टीप्लाई करना है हमें a इंटू डी मतलब 25/4 -25/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए -25/4 और यहाँ पर ऐसा बॉक्स होगी। अभी हमें पता नहीं है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, अब क्या करना है आपको c इंटू बी करना है, c इंटू बी, चलो मतलब 9 इंटू क्या करना है 8 -9/8 -25/4 क्या होता है आपका 100 -100 ये कितना होता है आपका -100 एंड 9 इज कितना होता है 72 बट यहाँ क्या है माइनस, तो आंसर क्या आएगा -72। अब ये कौन सा है दोनों नेगेटिव नंबर्स है, दोनों नेगेटिव नंबर्स है, नंबर स्केल में आपका पहला वाला नंबर स्केल में आपका पहला नंबर कौन सा आता है -72 या 100 -72 पहला आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रेटर साइन डाल दीजिए। देखिए ग्रेटर हो गया मतलब फर्स्ट वाला रूल मेरा अप्लाई हुआ, फर्स्ट वाला रूल राइट हैंड साइड का क्या हो गया आपका ग्रेटर, तो आपके राइट हैंड साइड में कौन सा रेशनल नंबर है -9/4, तो ये साइड वाला रेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -25/8 ग्रेटर देन -9/4 राइट -25/8 लेस देन क्या हो जाएगा लेस देन
-9/4। तो ये रूल अप्लाई करके हमने कंपैरिजन कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड वन पे। सेकेंड वन भी हमें कैसे करना है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। क्या स्टेप है हमारा, सबसे पहला आपको a इंटू डी एंड c इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है। यही हमारे a इंटू बी और c इंटू डी, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। -7/4, यहाँ क्या छोड़ना आपको, बॉक्स, एंड 11/-3, 11/-3 करना है आपको, ठीक है। 7/4 कितना होता है 28, बट यहाँ क्या आएगा -28 बॉक्स, 11/-3 कितना आएगा -33। दोनों अगेन क्या हो गया आपका, माइनस में हो गया। सी 11/3 33 एंड 7/4 कितना हो गया 28 हो गया। दोनों माइनस नंबर लाइन में कौन सा पहला आता है आपका, -28। सो -28 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर। -28 क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन -33। और ये साइड का रेशनल नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये साइड का रेशनल नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर। ये देखिए माइनस मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, ये देखिए -7/11 ग्रेटर देन -3/4। -3/4 ये 7 है यहाँ पर। सो इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ क्वेश्चन देखा, एक बार आप देख लीजिए। दो क्वेश्चन आपके बचे हुए, वो आपको ऐसा होमवर्क करने हैं। बाकी 1.2 में सभी क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया। और ये तीन रूल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू कंपेयर द गिवन रैशनल नंबर। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये करके बताया है। आपको दो मेथड बताया, जहाँ पहला मेथड था आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना, और सेकंड मेथड में आपके 3 रूल्स थे, वो 3 रूल्स आप अच्छे से करना। सभी में एक ही स्टेप करना है, सिर्फ लास्ट फाइनल आंसर में आपको कंपैरिजन करना है कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल है और कौन सा लेस है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक तो जरूर कीजिए आप, जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, हमें वहाँ जाके जरूर फॉलो कीजिएगा। और जो भी आपकी क्वेरीज है इसको रिलेटेड, आप प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी। और हाँ, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियो। फटाफट आएगा वीडियो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसे देखना, समझना कॉन्सेप्ट को, फिर एक्सरसाइज पे हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।